कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार दोपहर से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और ईडी सीबीआई उनके घर का चक्कर काट रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से आईएनएक्स मीडिया केस में राहत न मिलने के बाद से ही चिदम्बरम गायब हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। अब बुधवार को उनके वकील अंतरिम जमानत की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दरअसल आईएनएक्स मीडिया केस में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदम्बरम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट से चिदम्बरम को झटका लगा तो ईडी सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयार खड़ी थी। पहले सीबीआई उनके घर पहुंची और फिर ईडी, लेकिन चिदम्बरम घर पर नहीं मिले। साथ ही उनका फोन भी स्विच ऑफ कर दिया गया। एजेंसियों की तरफ से उनके घर के बाहर नोटिस भी चिपकाया गया है। आपको बता दें, पी चिदम्बरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गैर कानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। इस केस में अभी तक चिदम्बरम को कोर्ट से करीब 2 दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है। ये मामला 2007 का है, जब चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री पद पर थे। वहीं 2017 में सीबीआई ने इस मामले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मिली स्वीकृति में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज की, जबकि ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। इस मामले में आईएनएक्स मीडिया की मालकिन और आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इस केस में अप्रूवर बनाया गया और इसी साल उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया। सीबीआई के मुताबिक मुखर्जी ने गवाही दी कि उसने कार्तिक चिदम्बरम को 10 लाख रुपए दिए। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।